की सरकार बनाता है। दुर्ग शहर से हम अच्छी लीड कर रहे हैं और अरुण वोरा जी मुंह छुपा के अब जा चुके हैं यहाँ से, उनके पूरे कार्यक्रम। मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था, क्योंकि हम सभी राम भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राम के मर्यादा और राम के विश्वास में चलता है, और हमें लगता था कि ये पूरा एग्जिट पोल जो है ये सही तरीके से इसका आंकलन नहीं किया। मान चुके थे कि एग्जिट पोल जो है सही। हाँ, देखा नहीं कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने एक बीमारू राज्य को एक सुचारू राज्य के रूप में विकसित किया। वो आम जनता नहीं बोल रही थी, क्योंकि आम जनता तो अपना वोट डाल के अपना अधिकार दिखा दिए। वो जो बोल रहे थे वो कांग्रेस वाले बोल रहे थे। हम देने का बात किए थे और ये हमसे कंपटीशन करने का काम कर रहे थे। हमने 12,000 बोला, इन्होंने 15 बोला। हमने 3100 बोला, इन्होंने 3200 बोला। जनता समझ गई ये देंगे नहीं, ये सिर्फ झूठा वादा कर रहे हैं। ये भाजपा छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत प्रखरता के साथ ये संदेश दिया है कि तुम लाख दलदल फैला लो, हम यूं ही कमल खिलाते रहेंगे। इस वक्त तक जो स्थिति है, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का सुपड़ा साफ हो चुका है, भाजपा की सरकार बनना तय है। दुर्ग शहर से हम अच्छी लीड कर रहे हैं और अरुण वोरा जी मुंह छुपा के अब जा चुके हैं यहाँ से, उनके पूरे कार्यकर्ता भी यहाँ से जा चुके हैं। और गजेंद्र भैया हमारे इस बार अच्छी लीड में है। भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, सबने बहुत ही अच्छा काम किया, सभी कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर तक गए, सभी ने अच्छा काम किया, इसलिए आज हम सफलता की ओर है। आगे की रुझान जिस तरह से एग्जिट पोल में जो चर्चा हुई थी कि अभी जिस तरह से कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी, इस तरह से जो बातें हुई, मैं पिछले 2 दिन से एग्जिट पोल देख रहा था। एग्जिट पोल देखने के बाद में जो दिख रहा था, भारतीय जनता पार्टी 38 सीटों में सिमट रही है और भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आ रहे हैं। मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था, क्योंकि हम सभी राम भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राम के मर्यादा और राम के विश्वास में चलता है, और हमें विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हम जो है पीछे हैं। आज आप देख सकते हैं कि 55 सीट से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आगे है, और अपितु राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह, चार स्टेट के चुनाव में, आज 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। और मैं मानता हूं कि जितने एग्जिट पोल जो होते हैं ये पूरे फॉल्स हैं। आप देख सकते हैं आज पूरा एग्जिट पोल, कहीं पर भी अगर एग्जिट पोल मैच कर रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, कोई एग्जिट पोल मैच नहीं कर रहा है। जब आप लोग ने एग्जिट पोल जब देखा था टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, उस वक्त आप लोगों को क्या लगता था? हमें लगता था कि ये पूरा एग्जिट पोल जो है ये सही तरीके से इसका आंकलन नहीं किया। मान चुके थे कि एग्जिट पोल जो है सही। हाँ, बिल्कुल नहीं दे रही, बिल्कुल 90 सीटों पर जो बात की थी, 70 पार की जो बात किए थे कांग्रेस के जो लोग, और छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने की बात की थी, तो एग्जिट पोल के बाद मन डगमगाया नहीं था? नहीं, बिल्कुल हमारा मन नहीं डगमगाया था, क्योंकि जब 5 साल पहले जब चुनाव हुई, छत्तीसगढ़ की किसान मजदूर व्यापारी जनता ने जब भूपेश बघेल जी को सत्ता की चाबी उनके हाथ में दिया, तो एक विश्वास और एक भरोसे के साथ में दिया था। क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने एक बीमारू राज्य को एक सुचारू राज्य के रूप में विकसित किया। चाहे आप वो रोड देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हर टाइप से हुआ, लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद में जनता ने सत्ता की चाबी, क्योंकि जनता जनार्दन है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। इस वक्त बढ़त का कारण क्या रहा? जिस तरह से कांग्रेस की जो दिग्गज है, वो ये कांग्रेस सरकार फिर से बनाने की बात करते, ऐसे में बीजेपी की जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि चाबी दी गई थी, वो अपने कार्य में खरा नहीं उतरे। सिर्फ उनका 5 साल सिर्फ दिखावा, सिर्फ ढिंढोरा था, और दिखाकर वो पूरा अंदर भ्रष्टाचार कर रहे थे। चाहे वो महादेव सट्टा ऐप की बात हो, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो बेरोजगारों का जो पीएससी में घोटाला, अरे बेरोजगार जो जनता में घूम रहे हैं, जिसको बेरोजगार हम इतनी नौकरी देंगे ये बोलकर आप सत्ता में आए, और उन्हीं बेरोजगारों को पीएससी में, जो वास्तविक में जो हमारे पढ़ाकू बच्चे थे छत्तीसगढ़ के, उनको बिल्कुल आप उनका आंख मुनकर 70 लाख, 75 लाख, 50 लाख रुपए में एक एक सीटों का आप सौदा कर रहे हैं। पूरे 5 साल जो है कोयला, हर चीज में
चाहे कोयला हो चाहे पीएससी हो, सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ नहीं हुआ है। और छत्तीसगढ़ की किसान मजदूर व्यापारी जनता ये 5 साल देख रही थी और ये 75 पार का नारा दे रहे थे कि हमने किया हमने किया, तो जनता जानती है कि किसने क्या किया। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में जो विकास कार्य कर रही है ये प्रत्येक जनता देख रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। मेरा नाम है मुकेश कुमार सोनकर, मैं युवा मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ। कहाँ से? मैं दुर्ग से हूँ। अच्छा जी, धन्यवाद। फट है, आइए बात करते हैं। राहुल भट्ट, जिस तरह से आप गजेंद्र यादव को इतने करीब रहे हैं और जिस तरह से आप उनके चुनाव प्रचार में जिस तरह से उनके एकदम परछाई बन के रहे हो और कई ऐसे बातें वार्तालाप हुई जिसके चलते बातें और माहौल जो डगमगा रहा था, बहुत गंभीरता के साथ लोगों को आपने टेकल किए, तो उस दरमियान आपको बहुत कुछ भी सुनने को मिला था और आज जो है स्थिति बहुत बदल गई, तो आपने बहुत सफर किए, कैसा लग रहा है इस वक्त? ये सफर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से अगर गजेंद्र यादव के खिलाफ जो बोल रहे थे वो आम जनता नहीं बोल रही थी, क्योंकि आम जनता तो अपना वोट डाल के अपना अधिकार दिखाती है। वो जो बोल रहे थे वो कांग्रेस वाले बोल रहे थे, बाकी जनता ने बोला था कि गजेंद्र यादव कोई नहीं जानता बोले हम लोग। आज जनता ने बता दिया कि गजेंद्र यादव को सब लोग जानते हैं और विधायक बना के सामने खड़ा कर। जिस तरह से मोदी जी का दुर्ग शहर में आना हुआ था, दुर्ग जिला में आना हुआ था, तो इस राजनीति में बीजेपी में किस तरह का फायदा मोदी के चेहरे से आने के उससे फायदा हुआ? भाजपा को मिलते ही बढ़त इस बात को स्पष्ट करती है कि मोदी जी के आने से भाजपा को बहुत फायदा हुआ। कुछ विकास के मुद्दे थे और कांग्रेस ने जिस प्रकार से विगत 5 वर्षों में भ्रष्टाचार किया वो भी हम लोगों को बहुत फायदा दिया। लगातार जिस तरह से भाजपा बढ़त बना रही है, निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। जिस तरह से योजना में परिवर्तन हुआ था 12,000 देने के और राज्य सरकार ने घोषणा किया था कि 15,000 देंगे करके, तो जो आंकड़े हैं आंकड़ों के कारण क्या ये इस समय जो महिलाएं का जो रुझान है वो बढ़ा है? हम देने का बात किए थे और ये हमसे कॉम्पिटिशन करने का काम कर रहे थे। हमने 12,000 बोला, इन्होंने 15 बोला, हमने 3100 बोला, इन्होंने 3200 बोला। जनता समझ गई ये देंगे नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा कर रहे हैं, ये भाजपा से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, लेकिन धरातल में इनका हमसे कोई प्रतियोगिता नहीं था। उसका परिणाम अभी लगातार जो हमारे कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी लगातार जो लीड बना रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब है कि मोदी की जो मोदी जो है उसकी लोकप्रियता जो है बरकरार, मोदी जी की लोकप्रियता देश में नहीं अभी तो पूरे विदेश में भी चल रही है और छत्तीसगढ़ में भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। जहां जहां मोदी जी ने रैली की वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भी राज्य में जो है मोदी का चेहरा जो है लोगों के नजर में आया और कई राज्य में जो है बढ़त पर दिख रही है बीजेपी। आज मोदी के चेहरे से ही अपन जो है और यहाँ के जो लोग सबसे हैं, जो मोदी जी के आने से ये पता चला कि आज भी लोग जागरूक हैं और मोदी जी को बिल्कुल पसंद करते हैं। ये जनता के बीच मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है, जहाँ जहाँ गए वहाँ मुमकिन करके जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसे महसूस हो रहा है इस वक्त? ये जीत आम जनता की जीत है, आम जनता ने इस बार कांग्रेसियों को बता दिया कि इस बार वो झूठ और फरेब में नहीं फंसने वाले। पिछले बार जो आम जनता से गलती की थी, जो उन्होंने इतनी बड़ी उनको बढ़त दी थी, बढ़त को चुनकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में फेंक दिया और निश्चित तौर पे कुछ समय पश्चात हम मिठाई बांटेंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे और अपन निश्चित सरकार बना के आएंगे। पूरी तैयारी हमारी कल रात से थी, हमें पूर्ण भरोसा था कि इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुशासन की सरकार बैठेगी, अच्छा व्यक्तित्व को वापस में प्रदेश के नेतृत्व मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के चेयर का सीएम इस प्रदेश का नेतृत्व करेगा। बीजेपी ने जो अपनी बढ़त बना रही है उस पर क्या कहना है? ये पूरे देश के लिए संकेत है, जिस तरीके भ्रष्ट वाली सरकार इन्होंने चलाया है ये जनता स्वीकार नहीं करेगी। प्रलोभन और ये जिस टाइप से भ्रष्टाचार इन्होंने बढ़ाया, देश में किसी भी राज्य में ऐसी सरकार आएगी जनता उसको उखाड़ फेंकेगी और ये मोदी जी का विश्वास जो जनता के प्रति जो विश्वास है वो दिखा रहे हैं। अभी तक जिस एग्जिट पोल के चलते लोगों के अंदर जो एक डर सा महसूस हो रहा था कि एग्जिट पोल को देखकर कि 90 में 70 सीटों को पाने की जो दावेदारी कर रही थी आज वो असफल दिख रही है, ऐसे में आपका क्या कहना है बढ़त को देखकर? ये बात बहुत स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत प्रखरता के साथ ये संदेश दिया है कि तुम लाख दलदल फैला लो, हम यूं ही कमल खिलाते रहेंगे। बहुत बढ़िया। निश्चित तौर पे जो भूपेश बघेल ने 5 साल की जो राजनीति की है, छत्तीसगढ़ प्रदेश को अराजकताओं का प्रदेश बनाया, कई प्रकार के लोक लुभावने और छत्तीसगढ़वाद को जो इन्होंने लॉन्च किया, जब सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ियों की सरकार, लेकिन अब जब आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ की सरकार बनी तो सबसे ज्यादा अगर कोई छलक गया तो वो छत्तीसगढ़ के लोग थे। बीरनपुर के कांड को देख लो आप, समूचे छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने को उठा के देख लो तो इस सरकार ने छत्तीसगढ़ियों के साथ सबसे ज्यादा ठग किया और इस बात को
भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी समझा कि छत्तीसगढ़ में वास्तव में छत्तीसगढ़िया लोगों को खला गया, ठगा गया और केंद्र के नेतृत्व लेकर छत्तीसगढ़ के प्रदेश के छोटे अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय की सरकार जिसे बोलते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की जो मंशा नरेंद्र मोदी जी की है, बहुत स्पष्ट तौर पर दिखा कि छत्तीसगढ़ में जो वातावरण आया। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ आप हिंदी भाषी राज्यों में देखेंगे, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जिस प्रकार के एग्जिट पोल बता रहे थे चुनाव के पहले और उसके बाद, चुनाव के बाद आज जब रुझान आया तब बहुत समीकरण बहुत विपरीत परिस्थिति में दिखा। पूरे देश ने ये माइंडेड बना लिया कि जो विकास की बात करेंगे, जो भारतवाद की बात करेंगे, जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, भारत की जनता उनके साथ है। जी, अभी कवर्धा पर आपको क्या कहना है, जिस तरह से कवर्धा में जो देखने को मिल रहा है बढ़त जो देखने को मिल रहा है। बहुत स्पष्ट है छत्तीसगढ़ में, मैं आपको बता दूं कि कवर्धा की जब आप बात करते हैं और कवर्धा के इतिहास को आप देखेंगे तो मोहम्मद अकबर जो थे, जिन्होंने एक ऐसे धर्म विशेष के लोगों को संयोग किया जिस जाति से वे आते हैं, छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं ये लोग चाहते थे कि समाजवाद जगह ले, धर्मवाद जगह ले, लेकिन छत्तीसगढ़ वासियों ने, छत्तीसगढ़ की एकता ने दिखा दिया कि मोहम्मद अकबर का ना पैसा चला ना बल चला। छत्तीसगढ़ सरकार के पावरफुल मंत्री थे, वो सोचते थे कि मैं सत्ता में अपने बल, धन बल का, जन बल का प्रयोग कर लूंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने बता दिया कि मोहम्मद अकबर अब तुम घर बैठो, छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। अच्छा, यहाँ पर गोस्वामी जी भी आ गए हैं, आइए बात करते हैं। जय श्री राम, जय और जय श्री राम के नारे से यहाँ पर गूंज रहा है। यहाँ पर गोस्वामी जी है जो दुर्ग प्रत्याशी जो गजेंद्र यादव, उनके करीबी मित्र भी हैं, संघ किसे हैं और इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त आपके चेहरे में जो स्माइल दिख रहा है उसका कारण क्या है, बता सकते? चारों तरफ भगवा छा रहा है, राम राज आ रहा है। हमारे राम राज तो कब से आ गई है, हमारे भाई गजेंद्र यादव जी बहुत भारी बहुमतों से जीत रहे हैं, साथ में दुर्ग शहर की, दुर्ग जिले की सारी 6 की 6 विधानसभा लगभग हम जीत रहे हैं, इसकी खुशी है हम सभी लोगों में। और पाटन और भिलाई इस वक्त कांटे की टक्कर है, मगर जीत के आएंगे 6 के 6। यहाँ मोदी जी ने खुद सभा की थी और मोदी जी के जो श्री चरण पड़े और उनकी जो वक्तव्य रहा उसके कारण से पूरे चारों तरफ हमारे हुआ था। अभी जिस तरह साझा एक अहम मुद्दा आया था, एक सामान्य परिवार से जिनको ईश्वर साहू को वोट मिला, प्रत्याशी घोषित किए थे, तो वहां पर कई प्रकार से ऐसी बातें हुई, बीच में बहस, लड़ाई, झगड़ा, मारपीट का जो मुद्दा था वो थाना तक भी पहुंचा था, उसमें भी कुछ घुमावदार कुछ सवाल जवाब आ रहे थे। देखो, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति को, शोषित परिवार के व्यक्ति को, शोषित समाज के व्यक्ति, उसको टिकट दिया भाजपा ने और उनकी लड़ाई एक सिंहासन पर बैठे बहुत बड़े राजा से थी, अपने चौबे जी से थी, वो तो ये सब चीज होना ही था, षड्यंत्रकारी ताकत लगी हुई थी, मगर ईश्वरी शक्ति के सामने ईश्वर की विजय होगी। जनता की जीत हुई साझा में, जनता जीती है जी। ईश्वर साहू के पास जिस तरह से अटैक हुआ था, उस वो अटैक होने का कारण क्या था? अब वो हिंदू मुसलमान दंगा एक कारण बन गया था, अभी तो नहीं था, वो तो पहले की बात तो है। जब भी हुआ तो कारण वही था ना, लोगों ने सनातन को टनाटन कहा है। अच्छा, चलिए, ईश्वर ताम्रकार जी हमारे बीच में मौजूद है जो इवारा विधानसभा आईवारा से हैं जी। नेटवर्क जी बताएंगे, जिस तरह से बढ़त हो रही है तो एग्जिट पोल में कुछ और दिख रहा था और अचानक से इस तरह से बढ़त जो देखने को मिल रहा है, यहाँ के जो नजारे हैं, भीड़ जो है काफी थी, पैर रखने का जगह नहीं था, जिस वक्त जो है भीड़ जो है छट भी गई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जनता ने विश्वास किया और एग्जिट पोल हर समय फैल रहा है, वैसे ही इस बार भी एग्जिट पोल फैल है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बना रही है। अईवारा विधानसभा क्षेत्र से अभी 10वें राउंड में डोमन लाल कुचौड़ी 10,000 वोट से आगे हैं और अईवारा विधानसभा की जनता ने डोमन लाल के साथ दिया, नरेंद्र मोदी जी के साथ दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तो अभी बीजेपी में कोई चेहरा दिख रहे हैं? बीजेपी में अनेक चेहरे हैं, ऐसा कोई चेहरा नहीं है, मतलब हर चेहरा सीएम का, हर चेहरा सीएम का लायक है, जो हर चेहरा सीएम चलाएगा और सब लोगों ने सामूहिक नेतृत्व में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में चुनाव लड़ा है और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। मतलब ये मानते हैं कि जनता के बीच में जो मोदी का जो लोकप्रियता वो बढ़ी हुई है? बिल्कुल, आप एग्जिट पोल देखिए, एग्जिट पोल में तीनों राज्यों में कांग्रेस को बढ़त दिखाया और जिस प्रकार से आप MP देखो, आप छत्तीसगढ़ देखो, आप राजस्थान देखो, यहाँ पे एग्जिट पोल टोटल फेल है।
तो निश्चित तौर पे मोदी जी का जादू चला है।